सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए साहित्य के रूप दे विचों अगला रूप गजल। विलक्षण तरीके नाल भाई तुसी वीडियो नू वध तो वध शेयर करना है, चैनल नू सबसक्राइब करना है, घंटी नू बजा देना है ताकि जिवें ही नवा वीडियो आवे तुहाडे मोबाइल दे उत्ते नोटिफिकेशन आ सके। किसी प्रकार की कोई कंजूसी ना करो भाई और वध तो वध शेयर करो ताकि मनु भी थोड़ी एनर्जी मिले और होर वीडियो है जो मैं पावा भाई। आओ शुरू करिए गजल। पंजाबी विच जिहड़ा गजल है वह फारसी काव्य परंपरा की देन है। भारत के पंजाब विच इसका प्रवेश मुसलमानों के प्रवेश नाल ही संबंध रखता है। आधुनिक पंजाबी कविता विच गजल रूपाकार उर्दू गजल तो प्रभावित है। अर्थ ते परिभाषा। गजल का जिहड़ा अर्थ है अगर आप उसनू वेखिए महबूबा नाल खेडना, औरत नाल इश्क दियां गल्लां करना, यह जिहड़े है शुरुआती दौर ते इहदे अर्थ किते गए। अते ओ शेर जिहड़े औरतां दे जिक्र विच कहे गए होण उहनां नूं इंप्रैस करन लई, इश्क दियां बातां मुहब्बत दियां गल्लां जिंदे विच कीतियां होण, शुरुआती दौर ते ऐसा काम सी। पर आमद अली है वह कहता सी कि गजल उस दर्दनाक आवाज नूं कहिंदे ने जो शिकारी कुत्तियां तो जान बचाउण लई निराश होया हिरन संकट दे समय कढ़दा है। शिकारी कुत्ते हिरण दे पिछे पै जांदे उस टाइम, फिर जदों आवाज कढ़दा वह दर्दमयी आवाज है जिहड़ी उस तो संबंधित किया है। काव्य खेत्र विच यह शब्द दर्दमयी अते प्रेम की तड़प वाली कविता लई वरत्या गया है, क्योंकि हिरण के पिछे भी कुत्ते लग जाते तो बड़ा वह दर्दमयी आवाज कढ़दा है। तो उस तरीके काव्य खेत्र के अंदर दर्दमयी ते प्रेम की तड़प वाली कविता लई वरत्या गया है। पर बाद में जिहड़े विषय ने होर भी विषय है जिहड़े वध गए भाई। हर विषय के अज की गल की जाए तो हर विषय के गजल है जो लिखी जा रही है। गजल का अर्थ कई ने रस्सी सूत या डोरा भी किया है, परंतु यह वध प्रचलित नहीं है, क्योंकि इतने जिहड़ा है गज प्लस लय वाला उच्चारण है उसनु सीध विच रखिया है। वध प्रचलित नहीं है भाई, जिहड़ा प्रचलित सी जिहड़ा पहला दस्या गया है वह है। हुण जे गल की जाए गजल दे कविता की एक वनंगी वजों संबंध होने दे आरंभ होने दे दो मत है भाई। पहला मत है जिहड़ा वह तो कहिंदे है कि कसीदा, कसीदे पढ़ना पहले जमाने च पढ़े जाते सी भाई। यह जो मत अनुसार कसीदे है उसका सोध्या होया रूप है। कसीदा भी एक किस्म की कविता ही है। इस विच की किता जांदा राजे महाराजे तो इनाम लैण लई उन्हां दी वड्याई विच कविता लिखते हैं जिसनों कसीदा कहते हैं। यह बड़ा प्रचलित है भाई, कसीदे पढ़ी जाने राजे महाराजा दी वड्याई लई जिहड़े कवि लोग सी उह कसीदे पढ़दे सी जिस च उन्हां दी बड़ी वड्याई की जाती सी। कवि राजे महाराजे की वड्याई तो पहला वातावरण की सुंदरता बारे भी कुछ शेर है लिख दिंदा सी बहार माहौल बनाने लई। पर तस्बीब है जिहड़ा वह प्रेमिका की सुंदर अते प्रेम के वर्णन नूं कहिंदे ने, फिर प्रेमिका की सुंदरता वर्णन उन्नू प्रभावित करन लई लिखे जाण लगे भाई। कसीदा जो सीगा जे उसकी गल करिए, कसीदे पढ़ना राजे महाराजे की वड्याई तो संबंधित। एक होर मत है जिस विच कहा है कि गजल का आरंभ है ईरान दे विच दसवीं सदी तो होया है भाई। पहले भाग विच तस्बीब अते फारसी का एक गीत जिसनों चामा कहिंदे है भाई, तस्बीब ते चामा इनदे मेल तो गजल का आरंभ होया है भाई। तस्बीब प्रेमिका की सुंदरता अते प्रेम का वर्णन,
या कसीदे तो ही फिर अगे चल के जेड़ा उन्दा गां वंडिया गया उन्नू उस दे विच तस्बीब वरत्या गया उस विच ही वड़ियाई हुंदी है भाई तस्बीब दे अंदर भी वड़ियाई है उस विच वड़ियाई की जाती है राजे महाराजे की कर लो अपनी प्रेमिका की कर लो किसी भी होर एक गीत जरा तस्बीब और चामा ए मिल के जो है गजल बनिया दूजा मत यह है पहला मत है कसीदे वाला और दूजा मत है तस्बीब प्लस चामा मिलके गजल बने ये भी मत ने भाई अरबी फारसी गजल विच इश्क है जेड़ा इश्क केंद्री महत्ता रखता है गजल विच विषय पक्षों बड़ी संकीर्णता होती है भाई इस विच बहुते विषय नहीं प्रगटाए जा सकते परंतु पंजाबी दे गजल काव्य रूप विच विषय पक्षों विशालता प्रदान की भाई शुरू शुरू में जरूर से वड़ियाई तो संबंधित भाई राजे महाराजे की किसी प्रेमिका की वड़ियाई तो संबंधित सी उस तो संबंधित गजल लिखी जाती सी परंतु हुण आधुनिक अगर आप वेखिए अपने पाठक्रम है जड़ा 11वीं 12वीं का पाठक्रम है उस भी गजल शामिल है भाई कई होर जड़ा उतला पाठक्रम है उस दे विच भी गजल शामिल ने तो इस विच अगर विषय देखिए तो कल्ला इश्क का नहीं है होर भी विषय नू इहदे विच शामिल किया गया है अज तो 30 साल पहला जरूर या उस तो भी ज्यादा पहला ऐसा मनिया जाता है कि अपना जिहड़ा पंजाबी गजल है वह जिहड़ी पाकिस्तान वाली फारसी वाली या उस तो गांह चलिए उर्दू वाली गजल तो प्रभावित है परंतु हुण दे समय अगर कहीए तो हुण वह उस तो अपना पिछा छुड़ा चुकी है उनका एक वख अपना एक रूप है भाई पंजाबी गजल ने अपने स्थापित हो गया है और सुरजीत पात्र का इस विच बहुत वड्डा योगदान रहा है भाई निवेकला बनाता पंजाबी च अपनी होंद जिहड़ी उह स्थापित कर ली हुण उस तो जिहड़ा उनका नान अटैचमेंट सी भाई लोग जो क्या करते सी उस तो हुण पिछा छुड़ा लिया उनकी एक सुतंत्र अपनी होंद बन गई है पंजाबी गजल की और हर विषय के उत्ते लिखी जा रही है भाई हर विषय के उत्ते तुसी वेखोगे बोर्ड दी किताबां पढ़ियां होणियां वख वख विषय दे उत्ते कल्ला इश्क नहीं वख वख विषय उत्ते गजलां लिखियां है और इसी कारण तो उन्हें सिलेबस दे विच शामिल किया गया बोर्ड दे अंदर क्योंकि 11वीं 12वीं वाला बच्चा पढ़े इश्क दीआं बातां नहीं वो कुछ इह जिहीआं गल्लां पढ़े भाई गजल इस तरीके नाल भी लिखी जा सकती है कुछ सीखण नूं मिले उसनूं ते इहदा दायरा है पंजाबी दे विच आ के होर वधिया है ते उस तो बाद जेड़ा दीवान सिंह है भाई प्रोफेसर दीवान सिंह उन्हें कुछ विशेषतावां दसियां ने इंदियां पहली विशेषता है इश्क दे बहुपक्षी विषयां दी प्रधानता हुण इश्क दी गल करांगे भाई सब तो पहला क्योंकि अजे तक इश्क इश्क वाली गल कर रही सी तो सब तो पहली विशेषता इश्क दे बहुपक्षी विषयां दी प्रधानता इश्क दा जेड़ा भी पक्ष है उस हर एक पक्ष दे बारे चर्चा करना उस दे इश्क दे हर विषय से संबंधित गजल लिखना पई यह पहली विशेषता है दूजी सूफी रहस्यवाद क्योंकि सूफी रहस्यवादी कवि सी वह प्रेम करते सीगे उस परमात्मा दे नाल परमात्मा दे प्रेम विच डुबे हुए वह गल्लां करते सी तो इस कारण की है कि सूफी रहस्यवाद वह भी हो सकता है भाई इत्थे जिहड़ा प्रेम है वह आत्मा ते परमात्मा की गल उन्होंने की है अपनी उस रब की गल की है अगे अश्लील विचारा तो संकोच दीवान सिंह ने आके है भाई गजल दे विच की है अश्लील विचारा तो संकोच किया जाता है भाई नान बेकार गंदे अश्लील विचारा तो दूरी रखी है यह दीवान सिंह की विशेष के है दीवान सिंह और वैसे देखा जाए तो इश्क बारे गल्ला होंदी है तो भाई उस विच हो सकता है अगे बयान च की होवे नवीनता होवे सजरापन होवे मौलिकता होवे रोचकता होवे होनी चाहिए है जे नवीनता होगी कोई गजल पढ़ूगा तां ही नजारे आणगे भई ओही पुरानी गल्लां पढ़ के कहवे नवीनता रोचकता मौलिकता मौलिक होनी चाहिए है कुछ नवापन सजरापन किसी की नकल ना होवे मौलिकता नकल ना होवे अपने आप च एक वखरी होंद रखदी होवे यूनीक
मौलिक तकनीक की निपुणता, तकनीक की इन पूरी निपुणता होनी चाहिए है, उनका ध्यान रखना जरूरी है बी। और तकनीक के बारे आप अगे जाके पढ़ा बी, जी गजल की तकनीक है उस बारे फिर आप अगे गल करा तकनीक बारे। जे तुम गजल लिखनी हो तो भी सिखा देवे बी गजल कैसे लिखी जाती है, क्योंकि कई कवितावान लिखना तो मेरे वाली तरह शौक होना है बी, कोई छोटा मोटा कवि होना है, पर हूँ कवितावान लिखने का टाइम नहीं है, गजल लिखने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है, परंतु बाद भी तुम कविता लिखने चाहो गजल लिखने चाहो तो इस तरीके पक्की पीढ़ी करा देवे भाई, गजल लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, उनकी तकनीक तो पता लग जाएगी। इन्हें बारे आप अगे चर्चा करा, समुची गजल परंपरा का ज्ञान, उन्होंने गजल परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उतो ही फिर कुछ सीखूगा करूगा लिखूगा, यह जरूरी है, सीधा कैसे काम चलेगा। यह कुछ खासियत ने भाई, दोबारा गल कर लेने, इश्क दे बहुपक्षी विषयों की प्रधानता, सूफी रहस्यवाद तसव्वुफ दी गल, असलील विचारा तो संकोच, बयान च नवीनता मौलिकता रोचकता, तकनीक की निपुणता, समुची गजल परंपरा का ज्ञान। हुण अगे गल करिए गजल दीआं किस्मां दी, प्रकार। गजल है भावगत तौर पर अगर देखिए, भाव के आधार पर अगर देखिए ता दो तरीकों की है, पहली मुसलसल ते दूजी गैर मुसलसल। मुसलसल एक मसले तो संबंधित, थोड़ा याद करने सैटिंग कर लियो, मसला शब्द इस विच जोड़ लियो, याद कर ले ट्रिक, मुसलसल एक ही मसले तो संबंधित होगी, गैर मुसलसल एक मसले तो संबंधित नहीं। हुणे तुसी भुलण नहीं लगे, हुण अगे गल करिए पहली दी विस्तार नाल। मुसलसल गजल दे हर शेर विच भाव ते विचार अंतर संबंधित हो, एक विचार रखे, जिहड़ा एक विचार एक उद्देश नूं लैके चल रहे है, गजल लिख रहे है, उसी विचार तो संबंधित जिहड़ी गजल है होनी चाहिए। जिन्ने भी शेर होण गजल दे विच, घट तो घट चार पांच शेर होने चाहिए, उस तो बाद जिन्ने मर्जी हो सकते हैं उस तो घट नहीं होणगे। जिन्ने भी वह विचार पेश किए सारे एक दूजे तो अंतर संबंधित होणगे। गैर मुसलसल इस विच हर शेर है जिहड़ा स्वतंत्र होंद रखेगा ते भाव प्रदान होंदा, इस हर शेर की वखरी होंदा, एक शेर है उन वखरा विचार, दूजे च वखरा, तीजे च वखरा, चौथे च वखरा, इवें भी हो सकता है भाई। अंतर संबंधित भाव जिहड़े विचार ने ते ओ अंतर संबंधित नहीं होणगे भाई, एक गैर मसलसल है। मसला याद रख लियो भाई, उस दिन आपां नूं याद रह जाएगा। फिर तुकांत दे आधार ते भाई, तुक्का दा अंत है जिहड़ा उस दे आधार ते, मुअद्दस ते मुकफ्फा। मुअद्दस है जिहड़ा, इस विच काफिया ते रदीफ दोनों मिलणगे भाई, मुअद्दस दे अंदर काफिया भी मिलेगा ते रदीफ भी मिलेगा। और मुकफ्फा, मुकफ्फे विच सिर्फ काफिया मिलेगा, तुकांत मेल होगा, काफिया तुकांत मेल नूं समझ लो। अगे फिर विस्तार नाल चर्चा करांगे, मुकफ्फा च सिर्फ काफिया भाई, सिर्फ काफिया मिलेगा भाई। और काफिया की है, रदीफ की है, एक एक चीज नूं की कहिंदे चंगी तरह जानदे आ भाई। और जो गजलों का संग्रह है उसनों दीवान कहते हैं भाई, दीवान, गजलों का संग्रह। इसनों दीवान आखते हैं भाई। हुण गल करते गजल, मैं तुहानूं कहा सीगा पहला भी, अज अपना जो ग्रुप है वट्सएप ग्रुप ऑनलाइन वालों का, उन्हें मैं कहा कि गजल पढ़े हो भाई, तुसी पढ़ी होनी है, और जे नहीं पढ़ी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, इत्थे आपां हुण गौर करते हैं। जेकर हबीब चंगे ता फिर नसीब चंगे, तू कर ना दूर सानू आपां करीब चंगे भाई, तनवान तो की लैणा सानू गरीब चंगे, चानण जोड़ने हन
ओहन अदीब चंगे, मैं मिट गया तू कहने तेरे नसीब चंगे, दुख विच मनाउन सुख जो साथों गरीब चंगे, निर्मल जो वसल मानन साथों रकीब चंगे, निर्मल जो वसल मानन साथों रकीब चंगे। ये जड़ी गजल है तुहाडे सामने, इस विचों दो कलैणा है जो मैं छड़ती हैं भाई। सब तो पहला अगर गल करिए ता ओ है कि शेर दी भाई, गजल दी एक इकाई शेर हुंदा है, अते गजल विच शेरां दी गिनती दी कोई बंदस नहीं होंदी। शेर दो तुकां ते धारत हुंदा है भाई, दो तुकां दी जिहड़ी काव टुकड़ी है, जिवें आ रही आ एक शेर हो गया, दो तुकां दी काव टुकड़ी एक शेर, फिर अगला है जिहड़ा आ हो गया, फिर अगला एवें करके चलता जाएगा, दूजा शेर तीजा शेर इस तरीके नाल चलते रहेंगे। शेर है जिहड़ा वह अरबी भाषा का शब्द है। देखो आई गजल कित्थों है, अरबी फारसी तो आई, हुण शब्द की है। अधिकतर अगर देखे जाए साहित्य के रूप के शब्द है वह अरबी फारसी तो आए हुए है, जिहड़ा नहीं आया हुआ उसनों तुसी गौर नाल देख लेना भाई आ किस तो आया है, ताकि ध्यान रहे। और जिथे देखो आ बिंदियां जी लग जाना, जो आ देखो आ लगियां दिख रही हूं, तो भाई एक अखर दे विच लगी हुई है भाई, ते किस वास्ते आपां इहनू वर्णमाला दे विच जोड़िया सी, अरबी फारसी दे जिहड़े वर्ण ने उहनां दा उच्चारण सही तरीके नाल हो सके, इस लई जोड़िया सी। नाम तो ही पता लग रहा गजल, थले बिंदी लगी हुई है उस तो ही पता लग रहा, ते कुछ पछाण है उस तो ही बंदा पता कर लैंदा है भाई। एक गजल दी इकाई है शेर भाई, और शेरां दी गिणती दी कोई बंदस नहीं, जिन्ने मर्जी अगले लिख सकदा है। शेर दा अरबी भाषा दा शब्द और अर्थ है जिहड़ा ओह है सिर दे वाल, शब्द अर्थ सिर दे वाल, जिस तरह वाल वाहुणा सवारना गुणना नाल सिर ते चेहरे दी सुंदरता है जिहड़ी ओह वध जांदी है। उस तरह शब्द रूपी वाला नूं किसी खास तरतीब तौल वैर वजन दे विच रखण नाल शब्द की सुंदरता वध जांदी है, इस कारण इसनों शेर कहते हैं। जिवें वाल है सवार दे बंदा सोहना लगता है, उस तरीके नाल शब्द नूं सुंदर तरीके नाल सवार देण नाल ओह भी सोहने लगण लग जांदे है, इस कारण शेर किया जाता है। दो तुकां दी होएगी बई टुकड़ी, हर शेर दे अंदर दो तुकां आउंदियां ने, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤੁੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਰ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤੁੱਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁੱਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁੱਕ ਨਾ ਆਖ ਕੇ ਮਿਸਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਰਾ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁੱਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤੁੱਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਤੁੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਬੀਬ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਤੁੱਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੁੱਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੋਲ ਕਾਫੀਆ ਤੇ ਰਦੀਫ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਰਕੀਬ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ, ਇਹਦਾ ਤੋਲ ਵਜ਼ਨ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਇਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਤੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਤਲੇ ਦੀ ਭਾਈ, ਮਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ? ਜੇਕਰ ਹਬੀਬ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਮਤਲਾ।
आखते हैं आप ध्यान रखियो। पर पहले शेर नु मतला और मतले की खासियत है, गजल दे पहले शेर नु मतला कहंदे आ और गजल दा आरंभ जी शेर तो हुंदा है ओही मतला है जवें आ रहा, जेकर हबीब चंगे ता फिर नसीब चंगे। मतला जरा अरबी भाषा का शब्द है, वह कहते सूरज का चढ़ना, जिस तरीके सूरज चढ़ता है पाई उसनु मतला कहते, ऐसी तरीके गजल चढ़ती है शुरू होती है तो उसनु की कहते हैं मतला कहते हैं। मतले नु पंजाबी शेर कुछ मुखड़ा भी कहते हैं, मुखड़ा मुखड़ा बेंदा मुखड़ा की है, बेंदा मुखड़ा है जी, जेकर हबीब चंगे ता फिर नसीब चंगे, एक ही है मुखड़ा कह लो भावें आपां मतला कह लिए, एक ही गल है। और इन दे विच की होएगा, काफिया ते रदीफ समान होणगे भाई, काफिया ते रदीफ समान होणगे, इहदे विच खासियत है। हुण आपां समझदे काफिया की है रदीफ की है। काफिया कोशगत अर्थ है काफिए दा बार बार आउणा भाई, बार बार आउणा काफिए दा जिहड़ा कोशगत अर्थ है। लो जी काफिया तुकांत मेल नूं काफिया कहिंदे आ भाई, काफिया बार बार आउणा। जेड़ा बार बार आवे, हर तुक दा तुकांत मिलता है जिसनूं काफिया कहा जाता है। और ऐश दे अंदर देखो, जेकर हबीब चंगे ता फिर नसीब चंगे, जेड़ा हबीब है भाई की है, हबीब दे विचार देखो बै काफिया मिल रहे हैं, हबीब इत्थे नसीब च बै मिल रहे हैं भाई। और ऐसे च तू कर ना दूर सानू आप करीब चंगे, फिर आ बै मिल गया, ईब 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 आ रहे हैं, की आ रहे हैं ईब आ रहे हैं भाई, एक काफिया है। और पहले च क्या है, जेकर हबीब चंगे, हबीब काफिया है, तुकान तथे मिल रहे हैं भाई, नसीब नसीब काफिया है भाई। फिर उस तो अगे तू कर ना दूर सानू आपा करीब चंगे, करीब काफी है जी, ईब आ गया। तनवान तो की लैना सानू गरीब चंगे, आलो जी आ गरीब है जेड़ा, ईब आ गया, ये काफी है। चानण जो वंडदे हन ओ हन अदीब चंगे, अदीब च ईब आ गया, ईब है जेड़ा काफी है, ऐसा आ गया। निर्मल जो वसल मानन साथों रकीब चंगे, पे आलो जी रकीब, इस विच फिर रकीब आ गया भाई, आ गया ना, तो एक ही है ईब, यानी ये इनका काफिया है। हुण रदीफ तुक दे अखीर ते काफिए तो बाद जो बार बार आवे उसनु रदीफ कहिंदे, बार बार वो रिपीट होगा भाई। जमा देखो चंगे इत्थे रिपीट हो गया, इत्थे भी चंगे रिपीट हो गया, तू करना दूर सानू आपा रकीब चंगे, इत्थे भी आ गया, यह रदीफ है, रदीफ स्थिर रहिंदा है भाई। इस चंगे जिहड़ा रदीफ है यह की है, स्थिर है, गया बदलेगा नहीं बार बार। देखो इस तो अगे चले, तनवान तो की लैना सानू गरीब चंगे, आलो जी चंगे आ गया। चानण जो वंडदे हन ओ हन अदीब चंगे, आ चंगे आ गया जी, इत्थे भी चंगे आ गया, यह चंगे चंगे स्थिर है और बार बार आ रहा है। और काफिए तो बाद आ रहा है, काफिए तो बाद आएगा, बार बार आएगा, एक ही होगा रदीफ होएगा, रदीफ। और काफिया तुकांत मेल बार बार आना, परंतु रदीफ तो पहला होगा। हुण जब इस विच की है, ईब है, हबीब है, नसीब है, करीब है, एक ही है काफिया है। हुण मतले च की होंदा है, मतले च काफिया ते रदीफ शेर दे अंदर हर मिसरे च रिपीट होएगा। हुण इत्थे देखो, हबीब चंगे नसीब चंगे की हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कोई भी गजल देख लो, गजल दे विच शुरुआत होंदी है ते उस दे विच जे ओ गजल मुअद्दस है भाई, काफिए ते रदीफ दोनों वाली मुअद्दस गजल है, तो उस दे विच की होवेगा,
काफिया ते रदीफ दोनों मिलणगे भाई, काफिया ते रदीफ दोनों मिलणगे। हुण एक है, एक होर मैं तुहानूं शेर पढ़ देना भाई, मकता पढ़ देना एक। जिंदगी फेर है किस खुशी वास्ते, आदमी जे नहीं आदमी वास्ते। हुण खुशी वास्ते आदमी वास्ते, यानी कि पहले दे विच काफिया ते रदीफ रिपीट होया भाई, खुशी वास्ते आदमी वास्ते। ए दूजा शेर मैं पढ़िया सी, जिंदगी फिर है किस खुशी वास्ते, इस तो अगली लाइन आदमी जे नहीं आदमी वास्ते आ रहा। हुण इस की आ काफी है भाई, और ये भी काफी है, खुशी आदमी ई काफी है, इतने काफी है की है ई, ई काफी है, खुशी आदमी ई काफी है, बार बार हो रहे। और पहली जेड़ी, पहला जेड़ा शेर है जिन्हों मकता कहते हैं, एक खासियत होंगी है काफी रदीफ दोनों बार रिपीट हो रहा है, खुशी वास्ते आदमी वास्ते दोनों बार रिपीट हो रहा है, मतलब ए मकता है। अगले शेर अंदर एवं नहीं होगा भाई, फिर उस तो बाद जिन्हें भी शेर आएंगे उस काफी रदीफ है जेड़ा दोनों मिश्रिया के अंदर, शेर के अंदर दोनों तुकों के अंदर दोनों मिश्रिया के अंदर रिपीट नहीं होगा भाई। अगला देख लो, तू करना दूर सानू, इतने देख लो काफिया रदीफ रिपीट नहीं होया भाई, अगे रिपीट हो रहा आपां करीब चंगे, इस शेर के अंदर इतने करीब चंगे आया है, परंतु इतने तुकंत मिल नहीं होया। इस तो पता लग गया कि आ जिहड़ा है अगला शेर है, और अगले शेर के अंदर जिहड़ा आ तुक है आ मिश्रा है, इस दे विच काफिया रदीफ नहीं मिलिया, इस तो जिहड़ी अगली तुक है उस दे विच काफिया रदीफ मिल रहा है। इत्थों आपां नूं अंतर पता लग गया भी इस दे विच ए मकता है, मकते विच काफिया ते रदीफ दोनों बार रिपीट हो रहा है, दोनों बार रिपीट हो रहा है, इतने देखो दोनों बार रिपीट हो रहा है। कोई गजल पढ़ लियो भाई, ठीक है कोई भी गजल पढ़ लियो, उस दे विच ए रिपीट होगा, परंतु वो मैं दस्या है भाई उस गजल की है मुअद्दस होनी चाहिए, उस दे विच काफिया ते रदीफ दोनों मिलते हैं, मुकफा सी जा नहीं होता, ठीक है। तो आपां शुरुआत पता लग गया, आपां मतले बारे पता लग गया, मतले तो बाद अगला शेर चल गया भाई, उस तो अगला शेर पढ़ लो, उस दे विच भी देखो धनवान तो की लैना सानू गरीब चंगे, आ देखो गरीब चंगे इतने काफी रदीफ मिल रहा, इतने नहीं मिल रहा, आ उस तो अगला शेर है भाई, उस तो अगला शेर है, फिर उस तो चानण जे वंडदे हन ओ हन अदीब चंगे, इतने देखो भाई तुकंत मिल नहीं हो रहा, और इतने हो रहा है अगली लैन, मतलब एक मिश्रा छड़ के उस तो अगले मिश्रे च, एक मिश्रा छड़ के उस तो अगले मिश्रे, हर शेर का हर शेर दे विच की होएगा दो तुकां होणगियां जिन्हों मिसरे आखदे है, और उनकी जिहड़ा पहला शेर होएगा काफिया रदीफ मिलेगा, उस तो बाद जिन्ने भी शेर आणगे उनका जिहड़ा दूजा मिश्रा होएगा उनदे विच काफिया रदीफ मिलेगा, उस दा जिहड़ा पहला मिश्रा होएगा उनदे विच काफिया रदीफ नहीं मिलेगा भाई, इस तरीके नाल चलता जाएगा भाई। अखीरला जिहड़ा शेर है उसनू आखदे है मतला, मकता भाई, मकता मुक्त तो याद रख लियो भाई, अखीरला शेर है मकता, इहनू मकते नू मुक्त भाई, मुक्त हो गई हुण बस खत्म हो गई गल, याद करना ते ट्रिक दसी है मकता भाई, मतला मकता कोई इन्हां चक्करां च फस ना जाओ, इसलिए मुक्त याद कर लियो, मुक्त बोलो अखीरली शेर है मुक्त होगी भाई, गल खत्म होगी मकता। अंतले शेर नू मकता कहिंदे है, गजल दे अंदर शेर विच कवि अपने उपनाम कलमी नाम जां तखल्लुस है जो वर्तदा है, जब पात्र शब्द जिन्हिया भी गजलां अखीर दे विच कहिंदा पात्र, पात्र अखीर दे विच बदलदा है। इस तो अलावा जिवें सामने गजल लिखी हुई है इस दे अंदर देखो, निर्मल जो वसल मानण साथो रकीब चंगे, इत्थे निर्मल है उस लिखारी का नाम है, इत्थों पता लग गया कि यह अखीरला शेर है, क्योंकि इस शेर के अंदर राइटर का नाम है, नाम हो सकता है तखल्लस उपनाम कुछ भी हो सकता है भाई, इत्थों आपां नूं पता लग गया, और इसी कारण एक ही है मकता है। मकता अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कटिया होया, शब्द अर्थ दस्से कटिया होया, पर गजल विच मकते तो भाव है वह शेर जो गजल की समाप्ति वजो रचिया जाता है, कहानी खत्म।
उस तो बाद अगे गजल नहीं तुरेगी। जिस विच शेर का तखल्लस उपनाम या कलवी नाम होगा, रचनाकार दा कुछ तो इन लाजमी अंग मनते हैं पर कुछ कहते हैं जरूरी नहीं है। कई बार गजल ऐसी भी होंगी इतने ही खत्म हो जाती है, उस तो बाद मकता होंगे ही नहीं। कई कहते जरा मकता है वह लाजमी है, कई कहते लाजमी नहीं, पाबंदी नहीं है। हम एक होर मकता मैं पढ़ दिना, रोज तरसेम ता सारे ब्रह्मंड चो भाल दा महक नित दोस्ती वास्ते। इसी की देखो भाई, इसी का खुशी वास्ते आदमी वास्ते इसी का आखिरी है जेड़ा, रोज तरसेम ता सारे ब्रह्मंड चो भाल दा महक नित दोस्ती वास्ते। तरसेम इत्थे नाम आ गया, तरसेम कवि का नाम आ गया जिसकी हाजरी नाल ये शेर है जेड़ा मकता बन गया। एवें इस दे विच निर्मल आ गया भाई, इस दी हाजरी नाल आ जिहड़ा शेर है वो मकता बन गया। हुण की है कि एक सारे जिहड़े शेर है, जिहड़ा शेर सब तो मशहूर है भाई, जिहड़ा शेर सब तो मशहूर हो गई उहनू शाह बैत कहिंदे आ। शाह बैत क्योंकि बैतबाजी भी चलती सी ना पहला, ता करके उसनू कहिंदे आ शाह बैत। शाह हुंदा है भई ओ गजल दा इह शेर शाह बैत दा दर्जा रखदा है। इस दे विच तू कर ना दूर सानू आपां करीब चंगे आ रहे, तू कर ना दूर सानू आपां करीब चंगे आ। शाह बैत है सब तो वधिया सत्तर रहिंदी भई, सानू दूर ना कर करीब। शाह बैत बारे पुछ सकदा है परंतु एवें पूछण की बहुत ही घट संभावना है कि छांटो भाई शाह बैत किहड़ा है, बहुत घट संभावना है। हाँ शाह बैत पूछ सकदा है भाई, जिहड़ा सब तो वधिया उत्तम शेर है, जिहड़ा उत्तम शेर सब तो वधिया शेर है जिहड़ा वो शाह बैत है। बब्बर शेर जिहनूं आपां कह लईए वह है शाह बैत। गजल की संरचना की एक विशेषता यह भी है कि इस विच स्पष्ट बयान की थां संकेत किसी रमज ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਾਟ ਗੱਲ ਜੇ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਰੇ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਆਨੀ ਮੁਲਾਇਮ ਬੰਦੀ ਸੌਖੀ ਚੋਟ ਸਹਿਜਤਾ ਸਰਲਤਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਗਜ਼ਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਕ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮਤਲਾ। ਮਤਲਾ ਬਈ ਮਤ ਲਗਾਤੀ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਿਕ ਮਤ ਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਤੇ ਰਦੀਫ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀਆ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਈਬ ਹੈ, ਕਾਫੀਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਬੀਬ ਨਸੀਬ ਕਰੀਬ ਗਰੀਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਪੰਗੇ ਟੰਗੇ ਕੰਗੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਆਹ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਰਦੀਫ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਤਲਾ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਦੋ ਤੁੱਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਤੁੱਕ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਮਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੀ। ਗੀਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ